से बहुत नफरत करती थी क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। निकिता ने मुझसे झूठ कहा। She lied to me. Well, इस लड़की में कुछ तो बात होगी। They should give her your degrees and practicing license, man. अपने आप को साइकेट्रिस्ट समझता है। एक 14 साल की लड़की ने तुम्हारा उल्लू खींच लिया। तुम हमेशा से अपने आप को बहुत बड़ा साइकेट्रिस्ट समझते थे ना? अरे बाबा हिंदी भी नहीं आते देखो। बाबा कल बड़ी के भैंस या लड़की। अब मैं यहाँ अपने रिसर्च पे एक किताब लिख रहा हूँ और अब मुझे एक नया केस मिला है। Thank you.
मैम आई एम सॉरी है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वेट्स काउंटर पे पता कर लीजिए, यहाँ बार्गेनिंग अलाउड नहीं है। आप मेरा मतलब नहीं समझे। इस दरवाजे से जो भी अंदर आता है वो एक ही मतलब से आता है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, ये कोई नया खेल है क्या? अच्छा, अगर मैंने सही जवाब नहीं दिए तो क्या आप मुझे बड़ी सी मानोगे? मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ तो इसके बारे में कुछ सवाल पूछना है। हर जवाब का एक ड्रिंक। आप क्या पिएंगे? कुछ नहीं। शमा, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? क्या हम पहले मिल चुके हैं? नहीं, कभी नहीं, कहीं और किसी और रूप में। आ, पहले मैं नर्स थी। किसी हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में नहीं, यहीं पर। अब मेरा प्रमोशन हो गया है, मैं एयर होस्टेस हूँ। आप तौर पर किस तरह के मर्द आते हैं आपके पास? आपको मर्दों में दिलचस्पी है औरतों में? किसी में नहीं। अब समझी, ऊपर के हर कमरे में एक दीवार कांच की है जिसमें से सिर्फ एक तरफ से दिखाई देता है। आप दूसरी तरफ बैठकर कमरे में जो कुछ हो रहा है देख सकते हैं। इसमें शर्माने की क्या बात है? यहाँ कई लोग सिर्फ उस कमरे में बैठकर दूसरों को देखने आते हैं। आप फिर मुझे गलत समझ रही हैं। इससे ज्यादा मैं आपको समझना भी नहीं चाहती। सीढ़ी के राइट पे 7th फ्लोर मेरा कमरा है और 8th कांच वाला। व्हाटएवर यू चूज। मुझसे झूठ मत बोलो, याद करो हम पहले कहीं मिल चुके हैं, शायद किसी और रूप में। क्षमा बोलो। पविता हेलो। हाय सुजो, अब की बार तुम छुट्टियों में घर नहीं जा रहे? क्या छुट्टी नहीं मिली? मिली लेकिन मैंने ली नहीं। क्यों? वो क्या है कि मेरे घर वाले मेरे शादी वादी कराने के चक्कर में। मैं वापस नहीं चाहता, इस बार गया तो वापस जाऊंगा। शादी तो तुम्हें करनी है, फिर टालने से क्या फायदा? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगी अरेंज मैरिज वैरेज। क्यों, कोई लड़की देख रखी है? कोई लव वव? नहीं, अभी तक तो नहीं। अरे साहब, मेरे को बोलो ना आपको कैसा चाय चाहिए, मैं वैसा चाय बना कर दूंगा। छोटू, अच्छा चाय वो होता है जो सही ढंग से उबला हो, ना 5 सेकंड ज्यादा ना 5 सेकंड कम। मैं भी आप ही से सीखूंगा। अरे छोटू, इनका फॉर्मूला इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला है। मैं जॉइन यू इन योर गेम एंड इन योर टॉक्स। टॉक्स नहीं, ऐसा कुछ खास बात नहीं कर रहे हम लोग। अरे वाह, खास बात कैसे नहीं कर रहे, हम शादी के बारे में बात कर रहे थे। ऐसे प्रमोद जी, आपने शादी क्यों नहीं की? बहुत लड़कियां देखी, कोई अच्छी मिली नहीं। बल्कि किसी को अच्छा से चाय बनाना नहीं आता था। यदि छोटू मेरे जैसी चाय बनाने लगे ना तो मैं इससे शादी कर लूंगा। अरे तुम कौन हो? मैं यहाँ का नया मैच बॉय छोटू। ओह अच्छा हुआ, रामू काका के घटिया खाने से तो छुट्टी मिली। वैसे तो मैं खाना वाना तो अच्छा बनाने आता है ना। जी मैं सब कुछ ठीक से कर लेता हूँ। मेरे लिए एक चाय का कप बना दो। जी। हाँ अच्छा सा। अरे धीरू, वापस क्यों आ गए, क्या हुआ? वो भाग गई, मेरी अपनी धीरू। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। स्टेशन से टिकट कटाने के बाद मैंने अपने घर पे फोन किया, अपने पेरेंट्स को ये बताने के लिए कि मैं घर पर आ रहा हूँ। मगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये बताया कि मेरी अपनी बीवी कल रात अपने आशिक के साथ भाग गई। नाउ यू टेल मी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आई जस्ट टोल्ड। I'm not bothering about it.
हम सब लोगों के कमरे की तलाशी क्यों ले रहे हैं? पहली बात, यहाँ पूछताछ सिर्फ मैं करूंगा। दूसरी बात, मैं वही करता हूँ जो मेरी ड्यूटी में है। ये क्या बात हुई? You should know your responsibility. Inspector Kale knows his responsibilities. आपका नाम? प्रमोद। प्रमोद शाह। यहाँ लाश सबसे पहले किसने देखी? मैंने। और ये स्टूल लाश के नीचे पड़ा था। किसके कमरे से आया ये स्टूल? ये स्टूल यूजली सर्वेंट के कमरे में पड़ी रहती है। और उस रूम में कौन रहता है? उस कमरे में छोटू रहता है जी। छोटू कहाँ है? ए औलाद, तलाशी दे रहे नौकर। यहाँ किसी को मालूम है कि उसने आत्महत्या क्यों की? मैं आपको बता चुका हूँ धीरू के साथ क्या हुआ। उसकी बीवी उसे, मगर सिर्फ इतने से? इतने से? किसी की बीवी उसे छोड़कर भाग जाए, ये कम बात है। मोरोवर, धीरू एक इमोशनल किस्म का इंसान था और मानसिक तौर पे कमजोर भी। माफ कीजिएगा, मैं, मेरे ख्याल से खुदकुशी करना कमजोरी की बात नहीं, बहुत हौसले की बात है। आई एग्री, सुसाइड करने के लिए बहुत करेज चाहिए। छोटू कहाँ? मैं यहाँ हूँ। ए ज्यादा होशियारी नहीं, ये सब तुम्हारा है? दांत क्या दिखाता रे? 32 याद में रख दूंगा। क्या साहब, इतना नाराज क्यों होते हो? चुप! मालूम है तुम्हें ऐसी किताबें रखना कानूनी जुर्म है? मगर साहब, मैं जो जो घर में काम किया सब चोरी की थी क्या? ये किताबें कहाँ से आई? मुझे नहीं मालूम। मालूम नहीं? मुझे लगता है हम फिजूल की बहस कर रहे हैं। इन अश्लील किताबों से और छोटू के धीरू की सुसाइड से क्या संबंध हो सकता है? संबंध जरूर है मैडम, आप ही ने बताया था कि ये स्टूल छोटू के कमरे से निकला था। ये स्टूल साहब टेरेस पे था और वहां कब से पड़ा था? टेरेस पे कौन रहता है? दिस इज गोइंग आउट ऑफ हैंड्स इंस्पेक्टर, आप इस केस को बेकार में कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। रियली इंस्पेक्टर, इट्स अ क्लीन केस ऑफ सुसाइड रियली। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। फिलहाल आप धीरू की फैमिली को इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो बॉडी क्लेम कर लें। थैंक यू। हरकत के बारे में किसी को बता दिया ना मैंने तो मेरी नौकरी। नौकरी? नौकरी की बात करता है नालायक? नौकरी की बात करता है? अगर इस हरकत के बारे में किसी को पता चल गया ना, ऐसी मौत पड़ेगी, ऐसी मौत पड़ेगी। मुझे माफ कर दो बहन जी। बहन जी, खबरदार तू मुझे बहन का, तेरे जैसे कमीनी की तो मैं कभी बहन हो ही नहीं सकती। पहले तेरे कमरे से गंदी गंदी किताबें निकलती और तुझे औरतों को नंगा देखने का शौक है। अगर तुझे बीच बाजार किसी ने नंगा कर दिया तब तुझे तक क्या करेगा? मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा नहीं करूंगा। क्यों मुझे गुस्सा दिलाते हैं? और अश्लीलता से बहुत ज्यादा।
अच्छा कुछ नहीं, कुछ नहीं। मीता ने सुसाइड किया है। पहले पहले धीरू का, उसके बाद मीता का, एक के बाद एक सुसाइड हो रहा है यहां। आप लोगों को कुछ गड़बड़ नहीं लगता है क्या यहां? इंस्पेक्टर, उन दोनों का साइकोलॉजिकल बैलेंस अपसेट था। धीरू का उसकी बीवी की वजह से, और मीता का बिकॉज ऑफ इयर्स ऑफ रिप्रेस्ड सेक्सुअलिटी। मुझे लगता है इस सिचुएशन में उन दोनों के पास सुइसाइड के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। आप साइकोलॉजिस्ट हैं? हाँ, अब साइकोलॉजी पर एक किताब लिख रहा हूं। आपने अपनी प्रैक्टिस क्यों छोड़ दी? तंग आ गया था क्रेजी लोग को हैंडल करते करते। मुझे लगा कि मैं भी क्रेजी हो जाऊंगा। प्लीज बैठ जाओ। वो बाबा कहाँ आया था? वो जरा पागल लगता है मुझे। ऐसा क्यों कहते हैं आप? वो तो बहुत अच्छा आदमी है, अपने काम से काम रखता है। आप मुझे बार बार क्यों बचा रहे हैं, मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हें मदद की जरूरत है। शमा तुम्हारे हाथ से निकलती जा रही है। शमा? मैं समझी नहीं आप क्या कह रहे हैं। कितने सालों से रह रहा है यहाँ? ये तो पता नहीं, शायद जब से हॉस्टल बना हो। मैं जानता हूँ कि ये सब तुम नहीं शमा कर रही है। तुम्हें उसे रोकना पड़ेगा, सिर्फ तुम उसे रोक सकती हो। मैं? मैं 3 सालों से यहाँ रहता हूँ। पहले एक खोली में रहता था कुछ लोगों के साथ। जब से मेरा प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन करते क्या आप? मैं हीरो की कटिंग करता था, अब मैं वेरीफायर हूँ। वेरीफायर क्या मतलब? मैं पत्थर को देख के अंदाज लगा सकता हूँ कि ये कितना खरा है और उसका दाम क्या होगा। लेफ्टी हैं आप? इस देश में गरीब होना बहुत बड़ा पाप है। अपनी कोई सुनता नहीं,
हर कोई अपने को मावाली समझता है। तुम यहाँ क्या कर रहे? तुम्हारा इंतजार। क्यों? मैं बहुत परेशान था तुम्हारे लिए। तुमने पुलिस को बताया क्यों नहीं कि मैं था तुम्हारे साथ कल रात सारा वक्त कमरे में? अच्छा, और क्या कहता कि तुम रात में मेरे साथ कमरे में थे और अपनी कहानी बता रहे थे और एक गरीब नौकर के कंधे पर सर रख के रो रहे थे? देखो अपनी शक्ल कैसे लग रहे बेचारे। राजा बेकार की हमदर्दी नहीं चाहिए। बेकार की हमदर्दी नहीं दिखा रहा हूं मैं, सचमुच सोच रहा था तुम्हारे लिए। मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, सोचना है तो अपने बारे में सोचो। हिम्मत है तो जाकर कह दो सबके सामने। प्लीज छोटू, कम से कम तुम तो मेरे बारे में ऐसी बातें मत करो। तुम जाओ जाओ, मुझे बहुत काम है। मुझसे बहुत नफरत करते हो, मुझे पता है। बोल दो तुम मुझसे नफरत करोगे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सच्ची मैं तुमसे नफरत नहीं करता। फील बैड। कौन जानता था छोटू ऐसा निकलेगा? किसी के मासूम चेहरे के पीछे क्या छिपा है ये जानना बहुत मुश्किल होता है। डोंट वरी, मैं हूं ना। अच्छा चलो बाहर चलते हैं। बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के लिए खाना लाया। आप लोगों ने खाने के बारे में तो सोचा होगा नहीं। अब हमें इस हॉस्टल में कुछ दिनों तक बिना मेस बॉय के रहना पड़ेगा। आज के खाने का इंतजाम तो मैंने कर दिया है, कल की आप सोचो। पविता तुम तो अच्छा खाना बना लेती होगी। खाना तो मैं अच्छा बना सकती हूँ, लेकिन आपकी पसंद का परफेक्ट खाना बनाना आता है या नहीं, आई डोंट नो। भाई मैं इतना परफेक्शनिस्ट कहाँ हूँ। अपनी पत्नी में थोड़ा सा कम परफेक्शन ढूंढा होता तो आज का ये दिन नहीं देखना होता। क्यों? आज के दिन में क्या बुराई? हम सब लोग साथ हैं। और वो बुढ़ा सोली कहाँ है? आप लोग खाना खाइए, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूं। अब उसे बुलाना जरूरी है क्या? ये कैसा सवाल है? खाना खाने के लिए ऑफ कोर्स। तुम्हारा मूड इतना ऑफ क्यों है? जो हो गया सो हो गया। हाँ, लेकिन छोटू को पुलिस तो पकड़ के ले गई ना। He deserves it. No, he doesn't. छोटू बुरा आदमी नहीं है, उसके जो आसपास लोग हैं वो बुरे हैं। यानी कि हम? I don't know. Thank you.
किया। उस रात मैं छोटू के साथ उसके कमरे में था। देर रात तक हम बातें करते रहे। पहले पहले कभी मेरी हिम्मत नहीं पड़ी उसे अपने बारे में बताने की, क्योंकि डरता था कि अगर किसी को पता चल गया तो कैसे जीऊंगा। लेकिन छोटू में एक अलग बात थी और मैंने उसे सब बता दिया। मैंने उसे अपने बारे में बता दिया कि मुझे औरतों से ज्यादा मर्दों में दिलचस्पी है। that I'm a homosexual। और डर डर के मैंने उसे ये बात बताई, लेकिन उसने मुझे धुतकारा नहीं और ना ही उसने मुझे प्रकार की सहानुभूति दिखाई। उसने मेरे अलगपन को समझा। छोटू में सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने इंस्पेक्टर से मार खा ली, लेकिन मेरे राज को राजी रखा। शायद पहली बार किसी ने मेरे लिए इतना कुछ किया। मुझे छोटू से प्यार हो गया। शायद मेरी गलती थी, क्योंकि छोटू मुझे समझता जरूर था लेकिन मुझसे प्यार नहीं करता था। जब मैंने उसे अपने प्यार का इजहार किया तो वो भड़क गया। गाली दी मुझे, मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं। इसलिए मैं खुदकुशी कर रहा हूं। मेरी मौत का कोई भी जिम्मेदार नहीं, खासकर छोटू बिल्कुल नहीं। क्या मतलब है? हाँ, क्या मतलब है? तीन तीन खुदकुशी उस हॉस्टल में और तीन हफ्तों के अंदर। पाटिल आए, वाटर तुला था ब्रो। पहले वो आदमी लटक के खुदकुशी करता है। क्यों? क्योंकि उसकी बीवी किसी और के साथ भाग गई। नहीं, बात समझ में आती है? और फिर वो औरत मीता, क्या बोला वो बाबा? वो बोला रिप्रेस सेक्सुअलिटी। मतलब उसके अंदर की जो भावना, जो उत्तेजना है। छोड़ो पटेल, तुम्हें बात समझ में नहीं आएगी। उसने छोटू के साथ बलात्कार किया। जब पकड़ी गई तो नीचे कूद कर खलास। फिर वो छक्का नहीं, होमोसेक्सुअल। मतलब अच्छा आदमी था बेचारा, मगर उसे अगर खुदकुशी करनी थी तो फिर वो हाथ क्यों काटता? जहर पी लेता, आसानी से मर जाता। मार्टिन, मुझे उस हॉस्टल में सब पागल लगते। वो बुढ़ा बाबा, वो चश्मे वाली औरत, सब पागल। एक सही लगता है तो सिर्फ वो हीरा वेरी था। क्या नाम था उसका? प्रमोद। मगर मैं हमेशा कहता हूं,
जो सही लगता है वो सही है नहीं। मतलब क्या लगा रहा? इसी तरह प्रमोशन नहीं होता पाटिल। गप्पस। मतलब मुझे सोचने दो। क्या हुआ? क्या हुआ छोटू? जी मैं हॉस्टल छोड़ के जा रहा। क्यों? मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, चलते हैं। हमें सुनो, अकेला छोड़कर नहीं, खून। धीरू का गला घोट सीलिंग से लटकाया गया है। नीता को भी टेरेस से धक्का दिया गया है। और सुजोय का वो तो तुम जानती हो। क्यों जानती हूँ? मैं सुजॉय से प्यार करती थी। मैं उसे चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर ये क्या, तो तुम ये कर सकती हो? मैंने नहीं किया। तो मैं कह रहा हूं, हर इंसान के अंदर बुराई छुपी होती है। तुम्हारे अंदर छुपी हुई बुराई है। मैं बुरी नहीं हूँ, मैं बुरी नहीं हूँ। बुरी नहीं हो, क्षमा बुरी। She is the evil inside you. You have to destroy her. You have to destroy her. सोली, लोग एक के बाद एक सुसाइड कर रहे हैं।
कहीं तुम्हारा इरादा तो सुसाइड करने का नहीं है? सॉरी, इट्स जस्ट अ बैड जोक। लेकिन तुम्हें क्या लगता है जोक के बारे में? नहीं यार, सुसाइड्स के बारे में। तुम तो एक साइकेट्रिस्ट हो। हमारे अंदर एक सुइसाइडल डिजायर छिपी होती है, लेकिन सुइसाइड करने की हिम्मत नहीं होती। और जब हमारे आसपास कोई सुइसाइड करता है तो हम भी अपनी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हैं। वही एक मिनट, मैं देखता हूं। हेलो, हाँ जी, मैं मिस्टर शाह, कहिए, छुट्टी के दिन कैसे फोन? हाँ हाँ, वही ना जो पिछले हफ्ते माउंट आबू के पास मिला था। जी हाँ, क्या कलर था उसका? क्या बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर कोई गलती हुई होगी। मैं आपको कल ऑफिस में मिलता हूँ। स्ट्रीट से फोन आया कि वो नकली है। मेरे 25 साल के कैरियर में ऐसा कभी नहीं हुआ। और जब मैं रिटायर हो रहा हूं, वो पत्थर एकदम हीरे जैसा था, उसमें एक असली हीरे के सभी गुण थे। और खून इस बार गन के साथ। प्रमोद सबसे सही आदमी लगा था, उसका भी गुड बाय। अपने आप को गोली मारते पाटिल, मुझे लगता है किसने उसका खून किया है। मगर वो गन उसी की थी और उसके पास उसका लाइसेंस भी था। उस गन पर उसकी उंगली के निशान भी थे, पर कौन से हाथ में गन था? दायां हाथ। वही तो, वो आदमी लेफ्टी है। उस दिन जब उसने मुझे अपना कार्ड दिया तो पटेल जल्दी से पता करो उस बुढ़े सोली और वो चश्मे वाली औरत को कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। कम ऑन क्विक, आई वांट दिस इंफॉर्मेशन नाउ, क्विक। मतलब अब मुझे समझ में आ रहा है। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता हूं, चली जाओ। शमा शमा शमा, आप फिर शमा के बारे में बात कर रहे हैं। मैं यहां पविता के बारे में बात करने आई हूं। मैं पविता हूं, शमा नहीं, प्लीज। जा रही हो, शमा तुम्हें कंट्रोल कर रही है। शमा ने मीता का खून किया, उसके बाद सुजॉय का खून किया और फिर प्रमोद को भी शूट किया। मैं
लड़की नहीं हूँ। क्षमा, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं पवित्र के साथ बात करना चाहता हूँ। पविता, पविता, प्लीज लेट्स टॉक। तुम्हें भी क्षमा अच्छी नहीं लगती है ना? वो बुरी है ना? मैं बुरी लड़की नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। क्षमा, मेरे साथ बदतमीजी मत करो, वापस जाओ, मैं पविता के साथ बात करना चाहता हूँ। पविता, पविता, तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ। पविता, तुम्हें क्षमा को खत्म करना होगा। You will have to kill her. इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हम दोनों मिलकर ये काम करेंगे। पविता, वापस आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? अगर मैंने क्षमा को खत्म कर दिया तो मैं भी मर जाऊंगी। मैं पविता हूं, कोई क्षमा है ही नहीं। सामने आई। अगर उस दिन तुम ब्रॉथल में मुझसे कह देती कि तुम दिन में पविता हो और रात में क्षमा, बस बात खत्म हो जाती। लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला, धोखा देने की कोशिश की। मैं कोई भी झूठ माफ नहीं कर सकता। धीरू, नीता, सुजॉय, प्रमोद, सब बच सकते थे। अगर उन्होंने सच का सामना किया होता तो मैं उन्हें बचा सकता था। मगर सब लोग कहीं ना कहीं हिचके, और मैंने उस हिचक का फायदा उठा के उन्हें और आगे रखा। मैं उन्हें समझाया कि उनकी जिंदगी बेकार है, सुइसाइड ही एक आखिरी रास्ता है। मगर फिर भी एंड में वो भी घबरा के भागने लगे। मौत से सब लोग डर जाता है, सिर्फ मुझे नहीं, क्योंकि मैं सब लोग को मौत देता हूं। I liberate them. भी आजाद होना चाहती हो ना? तुम सुइसाइड करना चाहती हो ना? अपनी बेकार जिंदगी से छुटकारा पाना चाहती हो ना? मैं तुम्हें आजाद करूंगा। I will free you. मुझे धोखा दिया। मैंने धीरू, मीता, सुजॉय और प्रमोद को कन्विंस कर दिया था कि उनकी जिंदगी बेकार है, मगर एंड में हर किसी ने मुझे धोखा दिया। वो एंड मौके पे सुइसाइड करने से डर गई। I'm
सब मैंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किया। आज भी लोग मुझ पर हंसते हैं, मुझे पागल समझते हैं, पर मैं पागल नहीं हूं। पर आज मैं उन सब से कहीं आगे निकल गया हूं। I can manipulate people's minds. मैं लोगों को कंट्रोल कर सकता हूं। Although partially, I have succeeded. मैं कामयाब हुआ। और अब इस इंस्पेक्टर की बारी है। Oh,